अमित सर, वेलकम यू ऑल। यहाँ पर बच्चों में आपको 11 और 12 तो बोर्ड का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कवर करवाऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो बोर्ड के लिए ही रहेगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स में से जहाँ से IIT नीट और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ का साथ यहाँ पर बताते रहूंगा। तो यहाँ पर आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ऐसा मैं आपको तैयारी यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर जितने भी लेक्चर लॉकडाउन तक, जब तक भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तब तक सारे लेक्चर्स आपको सीरीज में अटेंड करने हैं, देखना है। एक पेन और रजिस्टर आपका लेकर बैठना है जिसमें सारे नोट्स आप बनाएंगे, यहाँ पर देख के समझेंगे, और जहां भी आपको प्रॉब्लम होती है उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद उस प्रॉब्लम को आप घर पे अपने आप से सॉल्व करेंगे। नहीं होता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस करेंगे या कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे या पर्सनली मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने नंबर शो कर रखे हैं, इसको आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ उससे पहले आपको एक काम और करना है, एक सेकंड लगेगा, उसमें ओनली आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसके लिए सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, और साथ ही साथ में उसको लाइक और शेयर भी करना है, जिससे ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, वो भी इन चीजों को पढ़े समझे और इससे आगे जो 12th का सिलेबस है उसमें हमको काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर जैसा मैंने मेंशन किया, स्थिर वैद्युती की जो वेरी फर्स्ट यूनिट है, 12th का जो सिलेबस है पार्ट फर्स्ट, उसमें हम स्थिर वैद्युती की स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यूनिट के अंदर जो हम अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, लेकिन उसमें फर्स्ट चैप्टर हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, इन चीजों को स्टार्ट करने से पहले एक बात और देखें कि जो बोर्ड का मार्किंग पैटर्न है उसमें ये जो आपकी यूनिट है ये 7 मार्क्स कवर करती है, यानी कि जो 56 मार्क्स का पेपर आता है उसमें 7 मार्क्स फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी से क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर मैं आप स्टार्ट करता हूं, स्थिर वैद्युतिकी इस वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी हमको समझना है। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या है, स्थिर वैद्युतिकी आप समझना इसको ध्यान से, मैं यहां पर एक इसकी डेफिनेशन लिख के फिर इसको आपको समझा देता हूं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसके गुणों का अध्ययन, स्थिर आवेश और स्थिर आवेश के ही गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब क्या है ये चीज समझिए, ये मान लीजिए कोई प्रश्न है, प्रश्न का मतलब क्या होता है, सतह, आपको पता है प्रश्न का मतलब सतह होता है। मैंने प्रश्न क्यों बनाया, कोई भी वस्तु होती है तो आवेश जो होता है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में, आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश की डेफिनेशन, आवेश के बारे में हम समझेंगे। अभी आपको एक चीज में बताता हूँ, आवेश आपको पता है दो तरीके का आवेश होता है हमारे चारों ओर हर वस्तु पे प्रकृति में, एक तो होता है धनावेश और सेकेंड होता है ऋणावेश, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मैं अभी आपको स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझा रहा हूं। तो यहां पर
आवेश जो होता है उसका एक गुण होता है, वो कहां पर फैलता है, किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर यानी कि सतह पर। तो ये मान लीजिए कोई आवेश है, ये आवेश क्या करता है, ये आवेश कौन सा आवेश है, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश यानी कि ये अपनी एक ही पॉइंट पर स्थिर रखा हुआ है, यहां से आगे गति नहीं कर रहा है। तो एक स्थिर आवेश का गुण होता है ये अपने चारों ओर किसी क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र को हम यहां ई से या ई सदिश से, ई वेक्टर से शो कर सकते हैं। आपको अभी मैं इसको नॉर्मली ई ही बता रहा हूं। ई और ई वेक्टर में एक डिफरेंट, एक कुछ चीज चेंज है, वो मैं आपको अभी आगे चैप्टर में बताऊंगा। तो यहां पर ई का क्या अभिप्राय है, ई का अभिप्राय है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, विद्युत फील्ड का मतलब क्षेत्र। तो यहां पर एक स्थिर आवेश जो होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम इस आवेश के से कुछ दूरी पर एक सेकेंड आवेश रखें, दूसरा आवेश जिसको बोलते हैं क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को बोलते हैं परीक्षण आवेश, और क्यू को स्थिर आवेश या स्त्रोत आवेश। स्त्रोत आवेश, स्त्रोत क्या होता है, स्त्रोत हमेशा विद्युत क्षेत्र, स्त्रोत आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये स्त्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको हमने E से प्रदर्शित किया, और Q से R दूरी पर एक दूसरा आवेश है उसको क्या बोलते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र को, ये जो स्थिर आवेश है ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। और इस विद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश रखा है, कौन सा, क्यू नॉट, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आर। आर को क्या बोलते हैं, क्यू तथा क्यू नॉट के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, क्यू और क्यू नॉट के मध्य की दूरी। तो क्या होगा कि जब हम स्थिर आवेश के चारों तरफ आर दूरी पर किसी दूसरे आवेश क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है जिसको बोलते हैं एफ। एफ क्या है, क्यू तथा क्यू नॉट के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्यू तथा क्यू नॉट के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अच्छा, ये आकर्षण बल कब होगा और प्रतिकर्षण बल कब होगा ये भी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको अभी स्थिर विद्युतिकी का मतलब मैं समझा देता हूँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, एक स्थिर आवेश है क्यू, और इसका गुण क्या है, इसका गुण यह है कि एक स्थिर आवेश अपने चारों तरफ ई यानी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये आवेश है स्थिर, और इसका गुण है ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और यहां पर एक दूसरा आवेश क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखने पर दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश और इस स्थिर आवेश के इन सारे गुणों का, एक स्थिर आवेश के गुण क्या है, ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है आपने अभी समझा, और इसको हम ई बोलते हैं। सेकंड क्या उत्पन्न कर रहा है, विद्युत बल लगा रहा है किसी दूसरे आवेश पर जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। और क्या उत्पन्न करता है, विद्युत विभव उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत विभव भी उत्पन्न करता है। तो आवेश का ये गुण होता है, और इन गुणों के बारे में हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे, जो कुछ भी ये पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी।
तो यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश या विद्युत आवेश, कहीं कहीं आपको विद्युत आवेश भी दिखेगा, तो मैं यहां इसको विद्युत आवेश लगा देता हूँ। तो विद्युत आवेश क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान से समझेंगे, विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके प्रभाव में यह अन्य वस्तुओं को समझ आ रहा है आपको, राइटिंग समझ आ रही होगी, अन्य वस्तुओं लिखा हुआ है, अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। एक चीज और मैं लिख रहा हूं, वस्तु का वह गुण, गुण कौन सा, आंतरिक गुण, वस्तु का वह आंतरिक गुण, वस्तु का खुद का गुण होता है ये, वस्तु का प्राकृतिक गुण होता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वस्तु का वह आंतरिक गुण जिसके प्रभाव में, यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। अच्छा, विद्युत आवेश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों से जो भी निष्कर्ष निकला है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, आवेश के बारे में। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, फिजिक्स में थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, थ्योरी बहुत कम होती है। यहाँ पर क्योंकि आज ये पहला चैप्टर है तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें ही आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। थोड़ा सा थ्योरिटिकल पोर्शन है ये, आज फर्स्ट लेक्चर में चलेगा, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, बहुत कम थ्योरी, डेरिवेशन पढ़ेंगे, उनपे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं अमित सर, तो आपको केवल यहाँ पर देखना है, समझना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे से पर्सनली भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, मेरे नंबर यहाँ पर मैंने शो किए हुए। तो यहाँ पर बच्चों, वस्तु का वह गुण, वह आंतरिक गुण जिसके प्रभाव में यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या बताया आपको मैं पॉइंट्स में आवेश के बारे में चीजें बता रहा हूं। प्रकृति में दो प्रकार का आवेश होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। किसी भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु हो, उसमें दो प्रकार का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश कैसे होता है, हमने एक चीज पढ़ी है कि पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से, और इन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु, यानी कि एटम, परमाणु। परमाणु की मूवी भी है, लगभग साल डेढ़ साल पहले, वही परमाणु, वो परमाणु बम था, यहां परमाणु बम नहीं पढ़ेंगे हम, यहां पर परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको आवेश है। तो पदार्थ का सूक्ष्म, पदार्थ किससे बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इन सूक्ष्म कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु। परमाणु का अगर हम यहां स्ट्रक्चर देखें तो परमाणु में, परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो पता है आपको, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, नाइन टेंथ में पढ़ा है।
परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में परिक्रमण करते हैं। किसका परिक्रमण करते हैं, नाभिक का चक्कर लगाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और दूसरे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में अपनी अपनी कक्षाओं में इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है नाभिक में उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ध्यान से देखना इसको, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझना है। बाद में एक स्क्रीनशॉट भी लेना है, मैं साइड में चले जाऊंगा, आपको बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, सारी चीजें आपको दिखेगी। तो क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है उस पर ऋणावेश होता है, लेकिन दो जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है नाभिक के बाहर। यानी कि जितना धनावेश होता है परमाणु में, कितना धनावेश होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। ये कूलॉम है, COL कूलॉम, याद रखेंगे हर जगह मैं ऐसे लिखूंगा कूलॉम। तो यहां आज मैं लिख देता हूं, बाकी आगे आपको याद रखना है, या फिर मैं सी लिखता हूं, सी का मतलब भी कूलॉम है। तो प्रोटॉन पर धनावेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। प्रोटॉन का धनावेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, और इतना ही ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का होता है, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। बच्चों आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्वेश्चंस में ये पहली वैल्यू जो हमको यूज करनी है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। तो ये चीज आपने यहाँ पर दो पॉइंट्स में आपको आवेश के बारे में बताया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिसके प्रभाव में यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। आवेश प्रकृति में दो प्रकार के आवेश होते हैं हर वस्तु पे, धनावेश और ऋणावेश। कैसे होते हैं वो हम समझ रहे हैं। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु का अगर हम डायग्राम देखें तो परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए मैंने न्यूट्रॉन की यहाँ बात नहीं की, मैंने बात की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। क्या बात की, प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश का मान शून्य होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन की हमको बात ही नहीं करनी, हम आवेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, कितना आवेश होता है प्रोटॉन पर, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। दोनों आवेश समान मात्रा में होते हैं, यानी परमाणु में जितना प्रोटॉन का धनावेश होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं इससे आगे थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वो आपको देखना है, तो मिनट में इसको बिगाड़ देता हूं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, पहले बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछेंगे, आप कमेंट करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। अभी क्या है बच्चों, डस्टर थोड़ा टाइम बाद में, अभी इतने दिन से लॉकडाउन था तो डस्टर मिल नहीं रहा है, उस चक्कर में पेपर से एक बार काम चलाना पड़ रहा है। तो देखेंगे थर्ड पॉइंट, अच्छा आपने पढ़ा कि प्रोटॉन का धनावेश इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? एम ई. एम ई का मतलब क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एम पी धनावेश, प्रोटॉन धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है. और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एम एम. अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में समान होता है, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है. आपने पढ़ा प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन का तो आवेश ही होता है. लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में लगभग समान होता है, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भारी कण है. ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा भारी द्रव्यमान होता है, हैवी पार्टिकल होते हैं कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में हमको यूज करना है. कितना होता है? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम. और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम. दोनों में से कौन भारी है? भारी कण कौन सा है? आप बोलोगे सर यहाँ तो 31 है या 27 है, ये बड़ा है ये भारी है. लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस का साइन भी तो लग रहा है, और नेगेटिव साइन में अगर पावर में नेगेटिव साइन आ रही है तो उसका मतलब है वो उतना ही छोटा है, यानी कि इस कण का द्रव्यमान इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर में जितनी कम संख्या लिखी होगी 10 पावर में तो उतना ही कण का द्रव्यमान ज्यादा होगा. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसीलिए इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा अधिक होता है. तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है. फोर्थ पॉइंट. अच्छा बच्चों, एक यहाँ और काम की चीज, आवेश जो होता है, आवेश वस्तु की बाह्य सतह, सतह समझते हैं उसकी स्किन पर वितरित होता है. वितरित यानी कि फैलता है. हम किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं, मान लीजिए ये एक गोलाकार चालक है. चालक क्या होता है बच्चों? चालक गाड़ी चलाने वाला, वो भी चालक होता है, लेकिन यहां चालक गाड़ी चलाने वाला नहीं है. यहां चालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु. आवेश में या वस्तु को चालक ही लिख देता हूं क्योंकि यहां मैंने चालक लिखा है. ऐसी वस्तु जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, यानी आवेश प्रवाहित हो सकता है, उसको बोलते हैं चालक. तो यहां एक गोलाकार चालक है, हमने इसको आवेश दिया, मान लीजिए हमने इसको धनावेश दिया, तो आवेश कहां फैलेगा? इसकी बाहरी सतह पर. आवेश हमेशा कहां फैलेगा? इसकी बाहरी सतह पर, अंदर नहीं फैलता. वस्तु के अंदर, चालक के अंदर आवेश का परिमाण शून्य होता है. ये कॉन्सेप्ट भी है, जब क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में हमको कितनी बार अंदर वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है. मैं आगे बताऊंगा क्या है वो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. तो वहां पे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि वैल्यू निकालने लग जाते हैं, लेकिन अंदर तो आवेश ही नहीं होता है. आवेश आप किसी भी वस्तु को देते हैं तो वस्तु पर आवेश कहां पर फैलता है? उसकी सतह पर. ये सतह है वस्तु की, सतह पर फैलता है, और वस्तु के अंदर तो आवेश का मान ही शून्य होता है. तो अंदर कोई चीज आवेश से जो भी उत्पन्न होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत विभव उत्पन्न करता है, और विद्युत बल लगाता है, वो सारी चीजें जीरो हो जाती है चालक के अंदर. तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया? मैंने उधर से बोर्ड अभी साफ कर दिया है, तो इससे आगे के पॉइंट्स हम यहाँ देखेंगे. जो पहले लिखा हुआ था वो मैंने हटाया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसीलिए वो चीज मैंने यहाँ से बीच में एडिट की है. यहाँ देखेंगे आप.
पॉइंट नंबर 5। अच्छा बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? आपने अभी पढ़ा कि चार्ज किसी भी चालक या किसी वस्तु की बाहरी सतह पे फैलता है। क्यों फैलता है उसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक चीज और, एक पॉइंट और बता के फिर मैं वापस यहाँ आऊंगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति यानी दो धनावेश, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। दूर हटेंगे, एक उधर जाएगा एक उधर जाएगा। अगर दो ऋणावेश है तो भी ये दोनों एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल। ये भी प्रतिकर्षित होंगे, ये एक ऋणावेश है ये दूसरा ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में आकर्षित होते हैं। क्या समझे? दो विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षण बल लगता है उनमें। यानी एक ऋणावेश और एक धनावेश, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। यानी दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यानी कि ये वाला आवेश इधर आएगा और ये वाला आवेश इधर आएगा। ये ठीक उस तरीके से है बच्चों जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई चुंबक होता है, उस चुंबक के उत्तरी ध्रुव N ध्रुव के पास में दूसरे चुंबक का S ध्रुव रखने पर दोनों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल। लेकिन N ध्रुव के पास N ध्रुव रखने पर प्रतिकर्षण बल लगता है और S ध्रुव के पास S ध्रुव दूसरे चुंबक का रखने पर भी प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक उसी तरीके से दो धनावेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दो ऋणावेश भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और एक ऋणावेश और एक धनावेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूं कि आवेश चालक की सतह पर ही क्यों फैलता है। मान लीजिए कि ये कोई इसी तरीके से एक गोलाकार चालक है। अच्छा, हम यहाँ गोला क्यों ले रहे हैं बार बार? चालक का आकार कुछ भी हो सकता है, घनाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, या फिर पंचभुजाकार हो सकता है, यह वर्गाकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गोला जो होता है, गोले का एक समान आकार होता है, त्रिविमीय 3D आकार होता है, तो उसे गोला थोड़ा अच्छा रहता है, एक समान उसका आकार है इसलिए। तो मान लीजिए कोई गोला है, ये गोलाकार चालक है, यहाँ लिख रखा है मैंने। इस गोलाकार चालक को मान लीजिए हम ऋणावेशित कर रहे हैं, ऋणावेश दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जब आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। आपने इसको ऋणावेशित किया। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ी, इस गोले में खुद के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। आपने पढ़ा है दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश प्रोटॉन पे होता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे। इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? वो इन समस्त आवेशों जो आपने ऋणावेश दिया है उस पर प्रतिकर्षण बल लगेंगे। और प्रतिकर्षण बल लगेंगे तो ये जो सारा ऋणावेश है, प्रतिकर्षण क्यों लगेंगे? आपने पढ़ा दो ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो इस गोले का जो इलेक्ट्रॉनों का, खुद के इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश है, वो ऋणावेश आपके द्वारा दिए गए ऋणावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो ये जो सारा ऋणावेश है ये कहां चला जाएगा? प्रतिकर्षित होकर कहां चला जाएगा? दूर जाएगा। और दूर कहां जाएगा? वस्तु से बाहर निकल के हवा में तो नहीं जाएगा, कहां जाएगा? इसकी सतह पर आ जाएगा। इसीलिए किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, आवेश कहां फैलता है? उसकी बाहरी सतह पर फैलता है। ये पार्ट इसका है, इस पॉइंट का है। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा, आवेश के बारे में पढ़ा और आवेश की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और आवेश कहां फैलता है? चालक की सतह पर फैलता है, ये सारी चीजें। अच्छा, यहां पर बच्चों
आपको बहुत सारी चीजें मैंने आवेश के बारे में बताई है, हमको अब क्या करना है, हमको आवेश को मापा किसमें जाता है, आवेश के मात्रक क्या है वो समझने हैं, आवेश के गुण समझने हैं, आवेश क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है और हम किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, एक इसका स्क्रीन शॉट कीजिए, इसको समझिए अच्छे से, जो भी प्रॉब्लम है उससे डिस्कस कीजिए। मैंने जो मेजर पॉइंट्स थे आवेश के बारे में, सारी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बताए हैं, और भी आवेश के बारे में चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट इसके बाद में आपको देखते रहना है, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। मैं बात कर रहा हूं आवेश के मात्रक। मात्रक आप समझते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, पहला ही चैप्टर था, क्या था मात्रक और मापन, जिसमें आपने विमा भौतिक जगत और मापन आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट, उसमें आपने विमाओं के बारे में पढ़ा, मात्रक के बारे में पढ़ा, मैं उसी मात्रक की बात कर रहा हूं। अच्छा, मात्रक या आवेश के क्या क्या है आपको समझना है। आवेश का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक यानी कि पूरे विश्व में आवेश का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है, कूलॉम। क्या है, कूलॉम, सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं कूलॉम। आवेश का CGS मात्रक यानी कि थोड़ा छोटा मात्रक क्या है, ESU का मतलब क्या है, स्टेट कूलॉम। ESU का मतलब क्या होगा, स्टेट कूलॉम। इन दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशन है कि वन कूलॉम आवेश का मान 3×10^9 स्टेट कूलॉम आवेश के बराबर होता है, यानी कि एक कूलॉम आवेश कितने स्टेट कूलॉम आवेश के बराबर होता है, 3×10^9 स्टेट कूलॉम। आवेश के और भी मात्रक है, अन्य मात्रक की अगर मैं बात करता हूं आवेश में, तो बेटा आवेश के अन्य मात्रक क्या हैं, आवेश का अन्य मात्रक है एबो कूलॉम, या इसको आप एबी कूलॉम भी बोल सकते हो, तो कैसे भी बोल सकते हैं, एबो कूलॉम या एबी कूलॉम। अब यहां वन कूलॉम इज इक्वल टू होता है 1/10 एबो कूलॉम। अच्छा, एबो कूलॉम को EMU भी बोलते हैं, बच्चों ध्यान से समझना है ना, ये वर्ड जो आ रहे हैं स्ट्रेट कूलॉम, ESU, अभी हमने पढ़ा एबो कूलॉम, एबो कूलॉम को क्या बोलते हैं, EMU। EMU क्या होता है, EMU को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, देखो इंग्लिश में है मीनिंग, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की चार्ज यानी आवेश का कौन सा मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और ये जो विद्युत चुंबकीय मात्रक है आवेश का, ये विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसको EMU बोल रहे हो, इसको आप 1/10 EMU भी लिख सकते हैं, क्योंकि EMU को एबो कूलॉम बोलते हैं, तो एक कूलॉम आवेश का मान 1/10 एबो कूलॉम आवेश के मान के बराबर होता है, तो इसको हम 1/10 EMU भी कहते हैं, 1/10 EMU ऑफ चार्ज। यानी अगर हम एक EMU का संबंध निकालें कूलॉम के साथ, सॉरी स्टेट कूलॉम के साथ, इन दोनों का संबंध, तो मैं यहां पर 1 कूलॉम इज इक्वल टू लिखता हूं 1/10 EMU, मैंने इसी चीज को यहां लिखा है। अच्छा, एक कूलॉम का मान कितने स्टेट कूलॉम के बराबर है,
तो मैं 1 कूलॉम की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम लिख सकता हूं। आपने पढ़ा 1 कूलॉम इसके बराबर है और 1 कूलॉम इसके बराबर भी है, तो मैंने 1 कूलॉम को ये लिखा, 1 कूलॉम की जगह ये लिखा और इक्वल टू ये लिख दिया, ये दोनों एक ही चीज है। तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 EMU इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10⁻¹ ESU। क्या समझे, ये इधर गए क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 यहां आएगा, क्या होगा 3 × 10⁻¹¹ ESU और ये वैल्यू क्या बची 1 ही है। ठीक है बच्चों, ये है आवेश का अन्य मात्रक। आवेश का एक बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक, उसको हम क्या कहते हैं, फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। एक फैराडे आवेश का मान, फैराडे को हम एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक फैराडे आवेश का मान 96500 कूलॉम आवेश के मान के बराबर होता है। क्या बताया, एक फैराडे आवेश का मान कितने कूलॉम आवेश के मान के बराबर होता है, 96500 कूलॉम आवेश के मान के बराबर होता है। यानी फैराडे कितनी बड़ी यूनिट है, एक फैराडे कितना ज्यादा कूलॉम आ रहा है उसमें, 96500, यानी सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या है, फैराडे। ये सब चीजों के अलावा हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अब, उससे उसमें काम आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये आपको ध्यान से समझना है। अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में आवेश का मान एम सी दे रखा है, मैंने अभी आवेश का मान एक इकाई मान रहा हूं मैं, एक की जगह कुछ भी हो सकता है, यहां पर मैंने लिखा एमसी, एमसी का मतलब क्या है, मिली कूलॉम, एम का मतलब है मिली, सी का मतलब है कूलॉम, मिली कूलॉम। तो आपको इसको क्वेश्चन में मिली कूलॉम दिया, कूलॉम में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे, यहां जो भी संख्या है, यहां भी 1 है, 1 की जगह 2, 3, 4, 1000, 2000, 1 लाख कुछ भी हो, वो यहां आएगा इंटू 10⁻³ करोगे तो ये किसमें बदल जाएगा, कूलॉम में, मिली कूलॉम किसमें बदल जाएगा, कूलॉम में। इसी तरीके से अगर हमको आवेश का मान 1 μC दिया, माइक्रो लिखा है बच्चों, माइक्रो कूलॉम, 1 μC, आप पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट लेके देखें जहां आपको चीजें ढंग से देखनी है, 1 μC। तो आप इसको कूलॉम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हमको क्वेश्चन में 1 mC दिया, एन का मतलब क्या होता है, नैनो, सी का मतलब क्या है, कूलॉम, मैं कूलॉम बार बार नहीं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना, नैनो कूलॉम। तो क्या होता है, इसको कूलॉम में कैसे बदला जाता है, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। नैनो क्या है, नैनो कूलॉम, नैनो एक मात्रक है, वो नैनो वो कार नहीं है जो टाटा की गाड़ी आती है, वो नहीं है, वो भी होती है नैनो, तो यहाँ पे नैनो अलग चीज है। नेक्स्ट क्या है, 1 PC, पी का मतलब क्या है, पीको, सी का मतलब कूलॉम, इसको आपको कूलॉम में बदलना है, क्या करोगे, 10⁻²। अगर आपको क्वेश्चन में एफ सी दिया है, एफ का मतलब क्या होता है, फेमटो, सी का मतलब क्या है, कूलॉम, फेमटो कूलॉम को कूलॉम में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻¹⁵ से। अगर आपको क्वेश्चन में केसी दिया है, केसी का मतलब क्या है, किलो कूलॉम, केसी केसी, केसी का मतलब क्या है, के का मतलब है किलो, सी का मतलब कूलॉम, आप जानते हो, किलो कूलॉम को कूलॉम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, अकेला प्लस 3 है, यहां तक माइनस 3 है, ध्यान रखें,
और लास्ट एक चीज, अगर हमको क्वेश्चन में एम सी दिया है, यहां एम का मतलब क्या है बच्चों? आपको ये दिख रहा है, एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, मैं इसको, चलिए मैं इसको यहीं ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको, स्लोली मैं बता रहा हूँ। एम सी, यहाँ एम का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेगा कूलम, मेगा कूलम। अब आपको इसको कूलम में बदलना है, कैसे बदलेंगे? वन को 10^6 से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? वन को 10^6 से। अच्छा, यहां पर याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आप यहाँ आप बोलोगे सर आपने इतनी सारी वैल्यू लिख दी, हमको वहां कैसे ध्यान रहेगा कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है? बहुत इजी तरीका है, देखने ध्यान से, आपको सीक्वेंस याद रखना है केवल, मेरे साथ आप बोलेंगे मिली कूलम तो है, पीछे कूलम बोलने की जरूरत नहीं है, मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो बोलेंगे, मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो। अब देखो मिली पहला याद रखो, मिली जब आएगा एमसी तो क्या आएगा? 10^-3। यहाँ कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 1.5, 2.8 कुछ भी हो, जो यहाँ होगा वो यहाँ आएगा, ये पीछे का 10^-3। मिली कूलम किसमें बदलेगा? कूलम में। अगर माइक्रो कूलम है तो क्या करेंगे? -3 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -6। उसके एडजस्ट बात क्या है? नैनो, -6 में -3 ऐड करो कितना आएगा? -9। उसके बाद क्या है? पीको, -9 में -3 ऐड करो कितना आएगा? -12। उसके बाद क्या है? फेमटो, -12 में -3 ऐड करो कितना आया? -15। कितना इजी तरीका है, समझे बात को? हर बार क्या किया? 10^-3 को जोड़ा, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। क्या किया आपने? 10^-3 को जोड़ा है, कहां पर जोड़ा है? 10^ में ही जोड़ा है। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? 10^-3, -6, -9, -12, -15 तक यहाँ पर आपको 10 powers में वैल्यू मिली है। अच्छा, प्लस वाले में क्या है? 10^+3 और 10^+6। क्या देखा आपको? यहाँ भी 10^+ में जोड़ी है और यहाँ तक 10^-3 में जोड़ा था। एक इसमें कैपिटल एम सी है या स्मॉल एम सी है, स्मॉल एम सी ज्यादा आता है ये मिली कूलम में, कैपिटल एम सी में मेगा कूलम है, याद रखें बात को। और ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होंगे, ये आपको ये दोनों तो याद होने ही चाहिए और यहाँ तक पता होना चाहिए ये कम यूज होते हैं। तो बच्चों इससे आगे का मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ तक आप एक स्क्रीन शॉट लीजिए और मुझसे डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लो और सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आशा करता हूँ आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा और आपको समझ में भी आया है सारी चीजें। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे या मुझे पर्सनली भी आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भेजें। और बेस्ट रिजल्ट का कमिटमेंट आपको अमित सर यहाँ करते हैं, इस बार बोर्ड क्लासेस में 12th में और कॉम्पिटिशन क्लासेस IIT NEET वगैरह में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपका आने वाला है। तो इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी से आगे बहुत ही अच्छी चीजों के साथ में। हैव अ नाइस डे।